हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज़ अपडेट्स। हो गाइस, आज के इस लाइव में मैं आप लोग को जो है बहुत सारी अपडेट्स देने वाली हूँ। फर्स्ट अपडेट मैं देने वाली हूँ, जो भी देने वाली हूँ आप लोग को जो है टॉपिक अभी नहीं बताऊँगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, सब लोग ज्वाइन कर लो। ऐसे किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, जो थोड़ा सा 2-3 मिनट देखा उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, सो वीडियो अपलोड किया हुआ ही रहेगा, सब लोग जो है बाद में भी देख सकते हैं। सो वीडियो जो है डिलीट नहीं करूँगी मैं। सो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब लोग जो है ज्वाइन कर ले। सो अब जो है अपडेट स्टार्ट करते हैं। सो अपडेट, फर्स्ट अपडेट ये देती हूँ कुछ इश्क में मजा सीज़न 3 से रिलेटेड। सो इश्क में मजा, मैंने अगले लाइव में मैंने बताया था ना कि इश्क में मजा सीज़न 3 में सेम स्टोरी हो सकती है, यानी जब स्टोरी को कंटिन्यू दोहराया जा सकता है। इससे पहले कबीर ये वो जितना सब हुआ, आर्या ने मतलब जितना सब हुआ, सो वैसा कंटिन्यू स्टोरी दोहराया जाएगा यानी। सो ये सब भी ममता मैम के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो आप लोग सोचेगा लो ये तो अपडेट तो ख़त्म हो गया, नहीं। सो कंटिन्यू स्टोरी की जो दोहराए जाने की बात आती है, अगर ममता मैम दोहराएगी तो उनको जो है सेम कास्ट भी चाहिए। अगर सेम कास्ट नहीं होगा सो सेम स्टोरी थोड़ी दोहराई जाएगी। जैसे चंचल का रोल प्ले करती थी गीतू बावा, सो उनको चेंज करके जो और एक एक्ट्रेस को दिया गया था, सो दिया गया, फिर उन्होंने जो है इश्क में मजा सीज़न 2 के लास्ट में वो जो थोड़ा सा मतलब अलग उनको रिप्लेस कर दिया गया। गीतू बावा ने चंचल का रोल जो है और प्ले नहीं किया। सो आप लोग देख सकते हैं, सो कंटिन्यू स्टोरी सबको क्या ऐसे ही बदलते रहेंगी ममता मैम, सबको दूसरे एक्ट्रेस एक्टर लाएंगी। सो और जो वंशी तुम्मा की बात होती है, वो रोल तो मतलब अजीब सा रोल है। सो उसमें राहुल सिद्धिया और हेलिशा का ही कैरेक्टर होना चाहिए, वरना वो रोल जो है एकदम बेकार सा हो जाएगा। अगर कोई और एक्टर एक्ट्रेस करेंगे, सो आप लोग तो मैंने समझा दिया कि ऐसा ममता मैम के ऊपर ही डिपेंड करता है। और अगर कंटिन्यू स्टोरी दोहराई जाएगी तो सेम कास्ट भी चाहिए भाई। अगर सेम कास्ट नहीं रहेगी सो कंटिन्यू स्टोरी नहीं दोहराई जाएगी। बट अगर राहुल से हेलिशा रहे तो कंटिन्यू स्टोरी जो चलेगी, और कबीर भी चाहिए वरना नहीं चलेगा, और फैमिली मेम्बर भी चाहिए, जैसे कि आर्यन दादी। दादी का तो मौत दिखाया गया है तो दादी तो नहीं आ सकती, बट और सब जो है अनुप्रिया का किरदार भी दिखाया जा सकता है। बट खलीदा खान का भी न्यू प्रोजेक्ट मिल चुका है, उनको भी एक शो मिल चुका है। सो हम लोग जो है इसमें कुछ नहीं कर सकते, ममता मैम को डिपेंड करता है। सारे के सारे कास्ट को जो है अलग अलग सब जो है प्रोजेक्ट मिल जा रहा है। सो अब जो है आप लोगों को मैं अब सेकेंड अपडेट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट अपडेट का ज़्यादा थोड़ा सा बोल दिया, क्योंकि बोलना ही पड़ता है, क्योंकि इतना आप लोग को समझाना पड़ता है, इतना क्वेश्चन आते हैं आप लोग के। सो सेकेंड अपडेट स्टार्ट करते हैं। सो सेकेंड अपडेट ये है कि राहुल सिद्धिया और हेली शाह के रिलेटेड बैड न्यूज़। सो राहुल सिद्धिया और हेलिशा को जो है वोट्स नहीं जा रहे, यूट्यूब इंस्टाग्राम जहाँ भी कहो वोट जो है नहीं जा रहे। मतलब वोट तो कैसे करते हैं ये तो पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी है। सो बट उन लोग को जो है वोट नहीं जा रहा है, कोई जो है वोट नहीं कर रहा है 2-3 दिनों से। कल जो है मास वोटिंग था कल रात के 10 बजे तक जो है मास वोटिंग चला था। मतलब मुझे तो जितना लगता है सो वोटिंग लाइफ जो है क्लोज हो चुकी है। अगर लेटेस्ट और कंफर्म अपडेट्स की मानी जाए सो वही चल रहा है अभी जो है सोशल मीडिया पे, यही न्यूज़ आ रही है कि वोटिंग लाइट जो है लाइन्स जो है क्लोज हो चुकी है। बट हुई है या नहीं ये तो मुझको पता नहीं, और रिजल्ट जो है आने वाला है। सो इम्पॉर्टेंट वाली अब जो ये सेकेंड अपडेट था, और यही मतलब उन राहुल सिंह और हेलिशा को जो है वोट नहीं जा रहा है। इश्क में मजनू का अच्छा खासा वोट जा रहा है, बट तभी भी कम है, जितने फैंस हैं वही वोट कर रहे, ज़्यादा तो नहीं कर रहे। और उसके बाद जो रियांश की बातें थी है, सो रियांश को भी वोट जा रहे हैं, बट जितना फैंस है वही तो इतना ही वोट करेंगे ना। सब फैंस जो है आईडी बना रहे हैं यूट्यूब पे, न्यू चैनल्स क्रिएट कर रहा है, बट इससे कुछ नहीं होगा, जिसको जितना है वही जीत जाएगा। सो अब जो है ना गाइस, अब थर्ड अपडेट स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा देर जो है मतलब फैंस नहीं रहते हैं लाइव पर, सो अब जो है थर्ड अपडेट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड अपडेट जो है रियांश के म्यूज़िक एल्बम से रिलेटेड है। सो रियांश के म्यूज़िक एल्बम जो है अभी वानी जोड़ी को ज़्यादा वोट्स जा रहे हैं, और राहुल सिंह अभी जो है मास वोटिंग हो चुका है कल, मतलब ऐसा न्यूज़ आ रहा था। अब हो कल तो बहुत सारे वोट्स आए हैं, बट कल मास वोटिंग था ऐसा तो लगता है, बट वोटिंग लाइन्स क्लोज हुए या तो मुझको ये तो मुझको पता नहीं।
और जो वानी जो वानी जोड़ी की बात आती है उसकी म्यूज़िक एल्बम आ सकती है, और हमारे रियाज की म्यूज़िक एल्बम जो है पहली बार आएगी, अगर आएगी तो पहली बार आएगी, फर्स्ट बार आएगी, सेकंड बार तो नहीं आएगी। और रियाज की म्यूज़िक एल्बम की बात आती है तो रियाज का पॉपुलरिटी जो है डाउन हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। रियाज की गूगल सर्चिंग जो है अगले वीक के पहले वीक जो है थोड़ा सा लो थी, बट अगले वीक जो है थोड़ा सा ठीक थी। अब इस वीक कैसी है ये तो मुझको पता नहीं, अभी तक तो जो है रिपोर्ट नहीं आया है कि कैसी है इस वीक ये गूगल सर्चिंग। रियांश राहुल तेहलीशा रियांश और उसके बाद जो है राहुल इश्क में मजाओं सीजन मतलब इश्क में मजाओं के, सो ये तो अभी तक आ नहीं रहा। और इश्क में मजाओं सीजन 3 की बात आती है, सो वो विथ रियांश आएगा या नहीं ये तो मतलब किसी को भी नहीं पता है, ममता मैम खुद भी नहीं जानती है, सो उनके ऊपर ही सब डिपेंड करता है वो लाएगी या नहीं। और जो इश्क में मजाओं की बात आती है, सो इश्क में मजाओं का कंटिन्यू स्टोरी तो नहीं दोहराया जाएगा, दोहराया गया भी तो ठीक है। और रियांश की म्यूज़िक एल्बम जो है अभी तक तो मुझे इतना लगता है आएगा, अगर जीत गया तो ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक अवार्ड्स का जो बोर्ड्स के रिजल्ट्स हैं वो आने वाले 18 अगस्त को आने वाले हैं, सो वो ज़्यादा दिन नहीं है, अब कुछ ही दिन में जो है आ जाने वाला है। सो कोई बात नहीं, आ जाएगा जब हम लोग का मतलब हम लोगों ने इतना सारा वोट किया है, जो जीतने वाला रहेगा वो जोड़ी रहेगा वो जीत जाएगा, तो हम लोग इसमें जो है कुछ नहीं कर सकते, जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा। और रियांश की म्यूज़िक एल्बम की बात आती है, अगले साल एक जोड़ी जीती थी, सो उसको जो है 6 महीने में 3 म्यूज़िक एल्बम्स को आए ऑफर किए गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सो वैसे ही हमारे रियांश को भी आ सकता है। अब आएगा या नहीं ये तो मुझको पता नहीं, बट अगर जीत गया तो ठीक है आ जाएगा, अगर नहीं जीता तो बुरी नसीब सब रियांश फैंस की। और रियांश फैंस जो है अभी गुस्सा हो जा रहे हैं ममता मैम से, क्योंकि वो जो है अचानक से शो को ऑफर, ऐसा गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को जो है ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना होगा, रियांश को जिताना होगा, रियांश नहीं जीतेगा ममता मैम मतलब, और ममता मैम की बात आती है, सो ममता मैम के मतलब ममता मैम जो न्यू प्रोजेक्ट ला रही है जिसमें राहुल तेहलीशा मतलब जो भी रहने वाले, सो मैंने अपडेट दिया था कि विशाल वशिष्ठ और सरब मल्होत्रा और राहुल सुधीर उनके न्यू प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, तीनों में से कोई है। सो सरब मल्होत्रा को भी मतलब एक जो है न्यू प्रोजेक्ट मिल चुका है, वो ज़ैनबाद खान के साथ एक न्यू प्रोजेक्ट में दिखाए जाने वाला है, मतलब वो ज़ैनबाद खान का प्रोजेक्ट और उनका प्रोजेक्ट है सेम ही है, दोनों का ही शो है, एक ही शो में दोनों काम करने वाले हैं। सो और विशाल वशिष्ठ का जो है एक वेब सीरीज़ है, राहुल सिद्दीकी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सो राहुल सिद्दीकी को वो जो है ले सकती है, ऐसा तो न्यूज़ आया था। अब वो ऑफ़र करेगी या नहीं, लोग मुझसे पूछ रहे कि राहुल सिद्दीकी और राहुल सिद्दीकी को क्या ऑफ़र आया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने फदर का रोल एक्सेप्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझको नहीं पता है कि एक्सेप्ट किया है या नहीं और मैं जो है ऐसे ही एक लाइव करने वाली हूँ जिसमें आप लोग के सारे क्वेश्चन के ही आंसर देने वाली हूँ, इतना क्वेश्चन आते हैं कि मैं ऐसे वीडियो में जो है आंसर नहीं दे पाती हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस लाइव और इस वीडियो को भी मतलब इस यहाँ पर जो है इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना अपने सारे के सारे रियांश फैंस से, जो भी आपके रियांश फैंस फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो ये लाइव जो है यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, अगले लाइव में फिर कोई न्यू अपडेट्स के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लाइव यहीं पर ही ख़त्म होता है।